Emba Constructions, all types of buildings, house, shop. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. नमस्कार, मैं वर्षानी, आप देख रहे बीके न्यूज़। बीके न्यूज़ में आपका स्वागत। SIO यूनिट बसव कल्याण की ओर से तहसीलदार के माध्यम से चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका को मेमोरेंडम दिया। SIO बसव कल्याण ने कहा कि इस साल गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका KMDC कर्नाटका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट सेंटर को सिर्फ 45.72 करोड़ ही बजट रिलीज किया है। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका माइनॉरिटी का जो लोन है उसको बंद कर रही है। हर साल गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका KMDC के लिए करोड़ों का बजट रखती थी, जिससे माइनॉरिटी के बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर, एडवोकेट्स जैसे और भी बहुत से कोर्सेज किया करती थी, लेकिन इस बार कर्नाटका सरकार ने इसको बंद किया है। ऐसे में क्या माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ पाएंगे? साल 2016-17 में 235.97 करोड़ बजट KMDC में था। साल 2017-18 में 270 करोड़, साल 2018-19 में 250 करोड़, 2019-20 में 197 करोड़, लेकिन अब 2020-21 में सिर्फ 45.72 करोड़ बजट रखा है। इससे ये लगता है कि कर्नाटका सरकार माइनॉरिटी के बच्चों को एजुकेशन में आगे आने नहीं देना चाहती। इसीलिए आर के गिरी सिल्क एंड सारी इडन इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल बसव कल्याण में SIO यूनिट की ओर से सभी स्टूडेंट्स ने सिल ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट करते हुए तहसीलदार के माध्यम से कर्नाटका CM बसवराज बोम्मई, श्रीमंत बाल साहब पाटिल मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर, CN यशवंत नारायण मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन, डॉक्टर HR शिव कुमार AIS डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटी को मेमोरेंडम देते हुए मांग की कि जल्दी इस बजट को रिमूव करके 300 न्यू बजट रिलीज करें। इस मौके पर MD फैमोदीन यूनिट प्रेसिडेंट SIO बसव कल्याण, रियाज पटेल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट SIO, मोहम्मद यूसुफ निलंगे रिप्रेजेंटेटिव JIH बसव कल्याण, साइका सभा प्रेसिडेंट GIO अब्दुल्ला खान प्रेसिडेंट SYM बसव कल्याण के अलावा और भी कई संगठनों के प्रेसिडेंट और स्टूडेंट्स मौजूद रहे। वो कर्नाटका माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि माइनॉरिटीज, जिसमें माइनॉरिटीज में क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख, जैन और मुस्लिम्स आते हैं, इन कम्युनिटीज़ को KMDC के थ्रू बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए लोन दिया जाता है। इसका बजट जो पिछले साल था 200 करोड़, उसको बजट को कम करके सिर्फ 45 करोड़ किया गया है, जिसकी वजह से न्यू एप्लीकेशंस KMDC एजुकेशन लोन के, खास करके अराइवल लोन के, एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा उससे अफेक्टेड हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ड्रॉप आउट हो रहे हैं। और दूसरी चीज़, वो स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म भरे हैं 2019 के बाद से उनका जो अमाउंट है सैंक्शन नहीं हुआ रिन्यूअल का। तो अगर ऐसे ही रहा तो बहुत सारे जो मेडिकल, इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज के जो स्टूडेंट हैं वो ड्रॉप आउट हो जाएंगे। तो हम इस मौके पर ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को ये कहना चाहते हैं कि वाई दिस मच ऑफ रिड्यूस ऑफ बजट, इतना बजट क्यों रिड्यूस किया गया? मतलब आपका असल में इसमें क्या कहना है? हुकूमत ये कहती है कि पैंडेमिक के लिए इतना बजट रिड्यूस किया गया। मुझे ये बताइए कि अगर पैंडेमिक के लिए इतना ज़्यादा बजट रिड्यूस किया जाएगा तो फिर इनके ड्रॉप आउट होने के जिम्मेदार कौन रहेंगे? हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ड्रॉप आउट? कर्नाटक की जानिब से जो स्कीमें आती थी, KMDC लोन जो था वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है और कई स्टूडेंट्स अपने स्टडी को ड्रॉप आउट कर चुके हैं। हम हुकूमत कर्नाटक का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जब हमें अमाउंट ही नहीं मिल रहा और हमें पैसा नहीं मिल रहा, हमारे माँ बाप परेशान हैं, हम गरीब घरानों से हैं तो हम कैसा पढ़ें? जब हमें हुकूमत कर्नाटक की जानिब से स्कीम्स जो आ रही हैं वो बंद कर रहे हैं वन बाई वन, तो हम कैसे पढ़ें? तो हम हुकूमत कर्नाटक से अपील करते हैं कि जो भी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए जो भी अमाउंट आ रहा था उसे फिर से रिलीज़ करें। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया बसव कल्याण यूनिट की जानिब से आज जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है वो KMDC एंड अरीवू स्कीम की बंद होने की वजह से हुआ है। KMDC और अरीवू स्कीम बसव कल्याण के स्टूडेंट्स के लिए इतना अहम रोल अदा करती थी कि मैं इसको बता नहीं सकता। बसव कल्याण एक एजुकेशनली बैकवर्ड तालुका है, यहाँ पे लेबर के बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पे जो है, यहाँ एक जो इंडस्ट्री है बंगला, वहाँ के जो स्टूडेंट्स, उनके वालिदैन हैं, उनके जो बच्चे MBBS करते हैं उनको जो बाहर जाकर पढ़ाई करने के लिए अरीवू स्कीम के जो फ़ायदा मिलता था, फिर जो है KMDC से जो लोन मिलता था, आज वो बंद कर दिया गया है। पहले 275 करोड़ रुपये पूरे स्टेट के लिए सैंक्शन किए जाते थे, आज 2020-21 में सिर्फ और सिर्फ 45 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
आज हम जो लेबर के बच्चे, जो माइनॉरिटी के स्टूडेंट, जो आज आला तालीम, हाई एजुकेशन के जो सपने देखते थे, क्या हम अपने सपनों को छोड़ दें? क्या हम पढ़ाई करना छोड़ दें? क्या हम जो है एक बसव कल्याण को एजुकेशनली लेवल पे अपलिफ्ट करने का जो ख्वाब हम देखते थे, क्या हम वो ख्वाब छोड़ दें? आज हम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से ये सवाल करते हैं कि आप माइनॉरिटीज़ के साथ कहीं जानबूझकर सेलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रहे हैं? कि आप हमें दबाना तो नहीं चाह रहे हैं? हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।